हाय, मैं हूँ रुंजुन सीजन विद सॉल्ट से। आज मैं आपको उपवास की दो रेसिपीज दिखाऊंगी। आज मैं बनाने वाली हूँ उपवास के चावल, मतलब समा के चावल और आलू की रसेदार सब्जी। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम मतलब करीब एक कप भर के समा के चावल, चार उबले हुए आलू, 1/3 कप भुनी हुई और कूटी हुई मूँगफली, 4 चम्मच घी, थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया, 1.5 चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। मैंने रेगुलर नमक यूज़ किया है, पर आप सेंधा नमक भी यूज़ कर सकते हैं, और 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब एक कुकर में 2 चम्मच घी डालेंगे। घी गरम होने पर इसमें जीरा डाल देंगे। मैं चावल कुकर में बना रही हूँ, पर आप इसे और कोई भी पैन में बना सकते हैं। जीरा फ्राई करने के बाद इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल दें। फिर इसमें धुले हुए समा के चावल डाल दें। इसे 1 मिनट के लिए भून ले। फिर इसमें 2 कप से थोड़ा ज्यादा पानी डालें। अब इसमें नमक डाल दे। फिर कुकर का ढक्कन बंद कर दे। मैंने इसमें से सीटी निकाल दी है। इसे हाई गैस पे रखेंगे जब तक इसमें से बहुत स्टीम नहीं आने लगती। उसमें लगभग 2 मिनट लगेगा। फिर गैस लो कर दे और 5-6 मिनट के लिए पका ले। इसमें से काफ़ी स्टीम आने लगा है, इसलिए मैं इसे साइड के बर्नर पे शिफ्ट कर दूंगी और यहाँ पे मैं सब्जी बना लूँगी। उसके लिए कढ़ाई में घी डाले। घी गरम होने पे इसमें जीरा डालें। फिर इसमें आलू डाल दे। आलू को थोड़ी देर के लिए भूने। फिर इसमें डाले लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, नमक और कूटी हुई मूंगफली। इसे अच्छी तरह मिक्स कर ले। फिर इसमें 1.5 कप पानी डाले और इसे उबलने दे। आलू के कुछ पीसेस को मैंने ज्यादा फाइन मैश कर लिया है, उससे करी को थोड़ा थिकनेस आएगा। अभी इसे थोड़ा पतला रखेंगे क्योंकि आलू काफी पानी अब्सॉर्ब कर लेता है। 5 मिनट हो गए हैं तो चावल के नीचे का गैस बंद कर देंगे। सब्जी तैयार होने तक मैं कुकर का ढक्कन नहीं खोलूंगी। अब सब्जी में उबाल आ गया है तो मैं इसका गैस ऑफ कर दूंगी और इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल दूंगी। अब चावल वाला कुकर खोल के देखते हैं। ये भी अच्छी तरह पक गए हैं। मैंने इसे ऐसे परोसा है। ये उपवास में खाने के लिए बहुत ही इजी, टेस्टी और फिलिंग खाना है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।